बना नहीं रहा है इंडियन कंटेंट बहुत कम बना रहा है कौन से नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम में बहुत नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर सारे अपने वाले एक बार वर्ल्ड वाले का सब्सक्रिप्शन कितने का अरे एंड डोंट आस्क मी 100 रुपए 3 महीना फॉरगेट डोंट आस्क मी दैट आई डोंट वॉच एनी साधु सीरियल इसलिए आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट जी फाइव का सब्सक्रिप्शन अभी डिस्काउंट चल रहा है 50 रुपए महीना जी फाइव का सब्सक्रिप्शन Netflix का 600 रुपए महीना। सीरियल तो जी भाई ने कनेक्टेड विद सब्सक्रिप्शन। वही तो। Who has time for like all this shit? It's like Netflix और Amazon Prime और। हाँ इतना वो मैं पढ़ लेती हूँ रिव्यू पढ़ लेती हूँ। Status थोड़ा सा ना उसमें आना। मत देखो हम नहीं देखते नहीं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ बेस्ट Google करो पढ़ लो सब मस्त। फिल्म तो देखने जाते हो नहीं पढ़ लेते रिव्यू पढ़ने के बाद जाते हो नाइस करके दिन पढ़ लिया आई लाइक दैट ओनली मिशन मोगल का मैंने बड़ा 168 करोड़ कमा लिया ये आज बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आई नो इट फोटो ऑफिस बात आजकल सब पढ़ कौन मूवी देख रहा है मूवी में भी क्या है आपके इस पे लैपटॉप पे ज़्यादा अच्छा चलेगा नहीं वाईफाई तो लेना है वाईफाई नहीं है यार अभी लास्ट टाइम इस बॉडी का टेल मी क्या है आपके पास मैंने लास्ट टाइम मैंने चलाया था बताने मेरे लैपटॉप में जो गाने वो सुन के लोगों के मूड खराब हो जाते हैं कौन से ऐसे गाने रखे दत्ता प्यासी कोयल You do photo shoots or you keep such songs? दर्द होता है कौन सा लेकिन फिर वो मेरा टेस्ट बहुत डिफरेंट है ना या दे कैन एक्चुअली पे व्हाट इज दिस स्पीकर इज कनेक्टेड टू दिस कंसोल डीजे वाला हां डीजे वाला डीजे पीपल दे दिस पीपल कम्स लाइक पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप बहुत स्टनिंग लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आपके लुक के बारे में जानना चाहूँगी और आपकी फोटोशूट के बारे में जानना चाहूँगी। सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो ट्राई न्यू लुक्स एंड फॉर दैट एज एन एक्टर आई फील दैट फोटोशूट्स आर मस्ट। सो टुडे आई एम हियर टू डू अ फोटोशूट and I was really searching for a place where I can shoot freely and a little bit quirky and stuff so that we can mix and match the look aur hum log shoot kar paaye. So isse achhi jagah mujhe kahin mili nahi, tipsy gypsy. And the looks, I would say that I have tried different looks, like we have done 4 looks, so har look ek dusre se alag hai, and I have my team behind it, and the photographer Rishab is here and he has done my shoot, and it's been amazing. Makeup and hair is been done by Junaid, who's coming. I'm waiting for him. So it's really nice, as a team we really we were looking forward to do different sort of looks, and I think we have achieved that. Okay, aapke costume ke bare mein janna chahungi, hairstyle ke bare mein janna. Hairstyle ke bare mein on this, I think it's an it's a simple dress with a slit, and red is like hot also, and we have kept it simple as well as glamorous also, just to give a tinge of glamorous. We have done our lipstick as red. Yes. And otherwise he can tell you much better about it, the look and everything. Yeah, sure. So we have focused on her face basically, so we have focused more on the red and kept her hair very, very soft and very soft curls if you see it, and then rest everything is very minimal, and we finished it up with a wing liner. Yeah. What do you feel about the photo shoot? I love working with you. It was good. It was like really good shoot. बहुत जल्दी हम लोगों ने like it takes time sometimes कि ना to decide the looks and then to get into the perfect mood for the shoot, लेकिन हमारा काफी सही टाइम पे और it was very easy to work. मैम सबसे पहले ये कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी आपकी मूवी के लिए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ट्रेलर को, सो आप कितने एक्साइटेड हो अपनी मूवी के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ। 12 सितंबर अब ज़्यादा दूर नहीं है, सो थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज़्यादा है और नर्वसनेस थोड़ी कम है, बिकॉज जिस तरह का रिस्पांस ट्रेलर को मिला है तो लुकिंग फॉरवर्ड कि लोगों को पसंद आएगी और देखेंगे। आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे क्या? तो अगर आप नाम देखें पहलवान, तो आपको लगेगा कि सारे हीरो वाली फिल्म है या मेल ओरिएंटेड फिल्म है, बट ऐसा नहीं है। जो कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रही हूँ उसका नाम है रुक्मिनी, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। सिर्फ एक हीरोइन टाइप का कैरेक्टर नहीं है, लाइक जस्ट फॉर द सॉन्ग्स, और नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्ले करने के लिए। इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, और फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में आपको 2 डिफरेंट शेड्स दिखेंगे कैरेक्टर में। सो बहुत ही मेहनती रोल कहूँगी, इमोशनली बहुत चैलेंजिंग रोल था। सो आई फील दैट जब ऑडियंस देखेगी तो उनको अच्छा लगेगा। आप अपने कैरेक्टर से कितना रिलेट कर पाएँ रियल लाइफ? आई थिंक इमोशनली बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था, बट अगर रियल लाइफ की बात करें तो दोनों जो मैं बोल रही हूँ शेड्स, मैं अपने आप में भी वो 2 शेड्स पाती हूँ। तो आई थिंक एवरी गर्ल, नॉट ओनली मी, जो भी देखेंगे फिल्म को उनको लगेगा कि दोनों ट्रेट्स मिलते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सुनील शेट्टी के साथ और फिर आपके को-स्टार के साथ? बहुत ही अच्छा रहा। लाइक सुदीप सर और सुनील शेट्टी सर, बोथ आर द सुपरस्टार्स बट सेट पे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि सुपरस्टार्स के संग काम कर रहे हो, बिकॉज जब आप एक को एक्टर के तौर पे काम करते हो तो वो कंफर्ट लेवल होना बहुत ज़रूरी होता है ऑन सेट। एंड आई थिंक बोथ आर लवली ह्यूमन बीइंग एंड अमेजिंग एक्टर्स, सो अमेजिंग एक्सपीरियंस विद बोथ ऑफ देम। उनसे क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब इतने साल का जिसको भी एक्सपीरियंस होगा, आप छोटी से छोटी बातें सीखते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी डेडिकेटेड। Like I've seen Sunil sir sitting in, under the tree after their shot, and they're not going in the vanity and stuff. He's simply sitting and learning his lines, and so down to earth. If I talk about Sudeep sir, he is again dedicated, very dedicated. In fact, if you see the trailer, you will think that बहुत मेहनत लगी है ट्रेलर के लिए और फिल्म के लिए उन्होंने अपने आप पे बहुत काम किया है। तो I think बहुत छोटी-छोटी चीज़ें सीखने को मिली है। फिल्म के दौरान कोई ऐसी funny moment जो आपसे फिल्म के दौरान फ़नी मोमेंट हम लोगों को ऐसा एन्जॉयमेंट करने का टाइम नहीं मिलता था, सब अपने अपने पेन्स में होते थे। सुदीप सर अपना वो जिस ट्रेनिंग से गुजर रहे थे उनको उनका पेन था, सुनील सर को अपना पेन था कि डायलॉग्स वगैरह कन्नड़ा में, उनकी भी फर्स्ट कन्नड़ा फिल्म है। एंड मुझे अपना स्ट्रेस रहता था लाइन्स का, तो आई थिंक वैसा फ़नी मोमेंट तो नहीं, बट हाँ शूटिंग के दौरान ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पूरे सेट पर मैं सिर्फ अकेली लड़की थी। सो या उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा डिफिकल्ट था इनिशियली, बट या लेटर ऑन बहुत अच्छे लोग थे साथ में काम करने वाले, सो इट्स ऑल वेंट वेल। ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला ऑडियंस से। सो इसका पार्ट 3 भी आने वाला है? नहीं आएगा बाबा, अब तो छोड़ दो, 8 साल हो गए, मतलब 9 साल मुझसे बहुत तो मैं सो आई थिंक ओके। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके? अपकमिंग प्रोजेक्ट आई एम शूटिंग फॉर न्यू फिल्म विच इज़ तमिल एंड तेलुगू, अगेन बायलिंगुअल, दोनों में शूट कर रहे हैं हम लोग वो फिल्म। और अगेन स्पोर्ट्स ड्रामा है, आई एम प्लेइंग अ हॉकी प्लेयर इन दैट, सो या उसी की शूटिंग चल रही है अभी तो फिल्म। और लास्ट आप अपने फैंस को, ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 12 सितंबर, मार्क द डेट, पहलवान इज़ रिलीजिंग, प्लीज़ जाइए और देखिए अपने पूरे परिवार के साथ। इट इज़ रिलीजिंग इन हिंदी ऑल्सो, सो प्लीज़ गो एंड वॉच एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट। थैंक यू।